बसई भोपाल में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण राजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। नीमाणा के गांव बसई भोपाल में आज पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण राजेंद्र सिंह राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री राजस्थान के द्वारा किया गया। प्रतिमा अनावरण के दौरान राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने किसानों के हित में कृषि बिल लाए हैं जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। केंद्र सरकार जनता के लिए काफ़ी योजनाएं ला रही है लेकिन राज्य सरकार लागू न करके जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस सरकार द्वारा लोगों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने अंदरूनी लड़ाई से जनता का विकास रोक दिया है। जनता के पास वोट की ताकत है, वोट की ताकत से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। वोट की चोट बहुत ताकतवर होती है। राजस्थान में बलात्कार के मामले, क्राइम के मामले में देश में शिखर पर है। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत बालकनाथ सांसद अलवर ने की। मुख्य अतिथि मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी रहे। मंच संचालन योगेश चौहान, सरपंच पति गिगलाना ने की। बसई भोपाल गांव में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का निर्माण माधव सिंह चौहान द्वारा अपने स्वर्गीय पिता रामविलास चौहान की स्मृति में करवाया गया। और तार में करंट नहीं, ये हालात पैदा हो गए। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के हालात को पैदा करने के लिए और इस प्रकार के कुशासन को अंत करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने अधिकार का समय को उपयोग करना है। उस समय किसान की ताकत कई बार जाति के आधार पर